कई युग पहले कई नक्षत्र मंडल से गंगा को धरती पर भेजने के लिए भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। आकाश से बहने वाली महाद्रुत गंगा को स्वयं शिव जी के सिवा धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए अपने प्रतिरूप में अपनी आत्मशक्ति से एक आत्मलिंग बनाकर शिव जी ने भगीरथ को दिया। गंगा तो धरती पर उतर आई, पर आकाश गंगा को धरती पर लाने के लिए अद्भुत शक्तियों वाला आत्मलिंग इस विशाल विश्व में धरती पर कहीं खो गया, कहानी बनकर रह गया, दुनिया उसे भूल चुकी है। तांत्रिक तालपत्र ग्रंथों में एक रहस्य बताया गया है। शिवजी द्वारा निर्मित आत्मलिंग की महाशिवरात्रि 72 वर्ष में एक बार आती है। उस दिन उस अद्भुत लिंग को महाशक्तियां प्राप्त होती हैं, मनुष्य को वो दिखाई देता है। उस मुहूर्त पर जो भी उस आत्मलिंग को प्राप्त करेगा वो आकाश गंगा को वापस धरती पर बुला सकेगा। उस पवित्र गंगा जल को पीने वाला मनुष्य अमर होकर दोनों लोकों पर शासन करने वाला बनकर ग्रहों की गति बदलने वाला महाशक्तिमान बन जाएगा। कुछ स्वार्थी लोग उस आत्मलिंग को पाकर मृत्यु को जीतने के लिए कई सदियों से प्रयत्न कर रहे हैं।